आर्टिस्ट के लिए आर्ट सप्लाई से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट सप्लाई को अनबॉक्स करने वाली हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा डेली आर्ट। मेरा नाम है नेहा एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा आर्ट क्रिएट कर रहे होंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन प्लीज़ कर लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर भी कर देना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकेजिंग में हमें यहाँ पर ये रिसीव हुआ था बॉक्स, और इसके अंदर बस सिंपली एक बैग रखा हुआ था। जब मैंने इसको देखा तो बैग के अंदर हमें मिल जाते हैं टच मार्कर्स, और ये कंपनी जो है वो टच मार्कर्स की है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स मिल जाएंगे आपको, और बहुत ही सूटेबल आपको प्राइस में मिल जाते हैं। इनकी जो प्राइस है 24 पीसेस की, नंबर ऑफ पीस 24 है, और ये मैंने मीशो ऐप से मंगाया है गाइस। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से नहीं मंगाया है, मैंने मीशो से मंगाया है, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ ये टच कंपनी का, और इसका साथ एक बॉक्स, एक बैग भी आता है इसके साथ, आप देख सकते हैं, जिसमें एक जिप होगी और काफ़ी अच्छा रहता है कैरी करने के लिए सारे मार्कर्स को। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में लेके जा रहे हैं या कहीं पर आप स्ट्रीट पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए इजी हो जाता है इसको लेके जाना, कैरी करके लेके जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद कि इसमें 24 शेड्स मिल जाते हैं आपको कलर्स के, जो कि होते हैं बहुत ही कम प्राइस के मेरे हिसाब से, क्योंकि 24 पीसेस भी मिल रहा है, वो भी डुअल टिप के। तो इसका जो प्राइस है गाइस वो है मीशो ऐप पर 377, और मुझे ये इजीली मिल गया। 2 से 3 दिन में ये आपके घर पे आपको मिल जाएगा। सो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ ढेर सारे इसके शेड्स के कलर्स। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, एक पिंक के लाइक 4 शेड्स, ब्लू के 2 शेड्स, ग्रे के तो आपको 4 शेड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे अच्छे खासे शेड्स मिल जाते हैं आपके लिए, काफ़ी इनफ होते हैं। हाँ, अगर आपको और ज़्यादा शेड्स की आवश्यकता होती है गाइस, तो आप ज़्यादा पे करके आपको 48 कलर्स का भी पैकेज मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दिखता है, एंड इसमें जो है डुअल टिप आपको मिलती है इस पेन में, और ख़ास तौर से ये जो पेन है इसका एक तरफ की जो टिप होती है वो होती है, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से खुलता है, और जो एक तरफ की टिप होती है वो है 6 mm ब्रॉड टिप मिलती है इस तरीके की, और एक तरफ की जो अगर आप देखेंगे ये एक साइड का है, और दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगी 1 mm फाइन टिप इस तरीके के। आपको दोनों टिप ईजली आपके लिए इनफ होती है फॉर यूजिंग, और आप इससे पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कैलीग्राफी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये दो आपको टिप मिलती हैं, तो इनका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ब्रॉड वाले टिप का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कोई भी लार्ज एरिया को फिल करने में या ड्रॉ करने में, भरने में आपको बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आप इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड टिप है, चौड़ी टिप है, तो आपको इजी हो जाता है। और अगर आप दूसरी यानी कि फाइन टिप को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप आउटलाइन में उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका यूजेस है यहाँ पे। और अगर आप जब बाय करेंगे, अगर आपको बाय करना है, तो आप जब भी बाय करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पूरा डिटेल उसके बारे में मीशो ऐप पे ही लिखा हुआ है, तो आप इजीली पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये लेना है नहीं लेना है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको मैं बता रही हूँ ड्रॉ करके, क्योंकि इससे आपको उसका कलर का पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपको दोनों टिप के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। ऑल्सो कलर का पिगमेंट बहुत ज़्यादा है गाइस, अगर आप पतला पतला पेपर यूज करते हैं तो वो उसका पिगमेंट पीछे की तरफ भी आपको दिखाई देगा।
देख सकते हैं यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इसमें ना आपको पता चल जाएगा जब आप यूज़ करेंगे कि अब जब मैं लिख रही थी ना तब मुझे नहीं लग रहा था कि ये इसका पिगमेंट पीछे की तरफ भी दिखेगा या पूरा छप जाएगा जो भी मैं लिख रही हूँ, लेकिन गाइज आप अभी देखना पूरा का पूरा छप जाएगा, जबकि ये इतना पतला पेपर भी नहीं था, ये काफ़ी थिक था लेकिन इस पर भी छप गया, यू कैन सी दैट। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं उसके साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप वाटर कलर शीट का यूज़ करें। और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू नेहा डेली आर्ट। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरी आईडी को देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं कुछ कलर्स ऑफ शेड्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेड्स का मैं यूज़ करूँगी एंड हम ड्रॉ करने वाले जैसे कि मैंने कहा था फ्रंट पेज आइडियाज़ मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन बताऊँगी 3 डिज़ाइंस जो कि मेरे दिमाग में है, जो कि यहाँ पर पेपर पे उतरने वाली है। तो आप देख सकते हैं मैं इन कलर्स का ही यूज़ करूँगी, इसके अलावा मैंने कोई भी कलर्स यूज़ नहीं करे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि कलर फैल नहीं रहा है, वरना वो पूरा मिक्स हो जाता कलर और पूरा यहाँ पे ब्लैक हो जाता। मुझे बजट के हिसाब से भी बहुत सही लगे, तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी अगर आप ज़्यादा खर्च ना करना चाहें तो आप इसको ज़रूर लेने की ट्राई कर सकते हैं। और इजीली आपको मीशो ऐप पे यहाँ पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पर मैं अच्छे से प्यारे प्यारे से फ्रंट पेज आइडियाज़ बना रही हूँ। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। अब आप इंजॉय करिए इन सारे फ्रंट पेज को।
सो गाइज, यहाँ पर आपने देख लिए हैं मैंने 3 अमेजिंग से प्यारे से क्यूट क्यूट से इन मार्कर्स को यूज करके यहाँ पे 3 अमेजिंग फ्रंट पेज आइडियाज बनाए हैं, जो कि स्कूल के बच्चों के लिए एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट फाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेंगे बनाने के लिए। बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस हैं। तो यहाँ पर एक साइंस का है, एक हमारी मातृभाषा हिंदी का है, ऑल्सो इंग्लिश का भी है। तो आप देख सकते हैं, आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना। ऑल्सो मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत ही अच्छे मार्कर्स हैं जो कि मैंने बाय किए हैं, एंड मुझे नहीं लगा कि मेरे पैसे डूब गए हों। यहाँ पर पूरा मुझे इसका फ़ायदा मिल रहा है, एंड मैं आगे भी इसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इनका कलर वाइब्रेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड आई होप आपको भी अच्छे लगे हों। एंड अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। और अभी तक की सारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू नेहा डेलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।